मामले पर लखनऊ की सीबीआई अदालत में गवाही देने पहुंची भाजपा की नेता उमा भारती अचानक अयोध्या पहुंच गई, जहां उन्होंने विराजमान श्री राम लला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर विवादित ढांचा विध्वंस मामले में दोषी करार किए गए लोग अपना बयान दर्ज कराने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेत्री उमा भारती भी सीबीआई की कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंची थी, जहां कोरोना के चलते गवाही को टाल दिया गया, जिसके बाद वे अयोध्या पहुंची, जहां पर उन्होंने रामलला हनुमानगढ़ी व कनक भवन पर दर्शन पूजन के साथ सरयू आरती भी की। उमा भारती ने बताया कि संतों की इच्छा के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज सीबीआई की अदालत में विध्वंस मामले पर सीबीआई की अदालत में गवाही देने पहुंची थी, लेकिन कोर्ट में कोरोना का मामला आने पर गवाही नहीं हो सकी, जिसके बाद अयोध्या में रामलला व हनुमान जी का दर्शन करने अयोध्या आई हूं। वहीं भारत और चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन के ऐप पर लगाई गई रोक को समर्थन करते हुए कहा कि देश के लोगों की पहले से यही इच्छा रही है, आज पीएम मोदी जो भी निर्णय लेंगे पूरे देशवासी उसका पालन करेंगे। क्योंकि राम भक्तों की जो इच्छा है, संतों की जो इच्छा है, आप सबकी जो इच्छा है वो पूरी हो ही रही है, भगवान कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सबकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है। राम मंदिर के फैसला तो खत्म हो गया, लेकिन अब सीबीआई कोर्ट में जो विध्वंस का मामला चल रहा है, इस पर क्या? इस पर ही तो टिप्पणी नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं स्वयं सब जुडिस हूँ। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्वयं सब जुडिस हूँ उस मामले में। मंदिर निर्माण का भव्य ऊंचाई बहुत होना चाहिए, ऐसी मांग भी रही है संतों की। जो लोग बना रहे हैं वो सब इन बातों को समझ ही रहे हैं। पीएम मोदी का भूमि पूजन किया जाना है, ये भी देखिए, पहले हम अशोक जी के उसमें संरक्षण में काम करते थे, अब चंपत राय जी के, तो उनसे पूछते रहिए ना आप, जो विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं।